सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 विषय संस्कृत की ये कक्षा है। इसमें अपन उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान के बारे में जो है पढ़ रहे थे। 6 उच्चारण स्थान अपन ने कल पढ़ लिए थे। अकोह विषयजनिया नाम कंठ है, इचुएसा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुरसा नाम दंता, उपपद्मानिया नाम मोष्टो, नाम नासिका। ये 6 प्रकार के जो उच्चारण स्थान थे जहाँ से वर्ण जो है उच्चरित होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये 5-6 प्रकार के जो है उच्चारण स्थान जो थे जहाँ से उच्चरित होते हैं वर्ण, वो पढ़ने पर पड़े थे। अब इससे आगे है नंबर 7 में कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु, इन दोनों स्थानों से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो ये देखो, ए रे दो, ए रे दो कंठ तालु, ए रे दो कंठ तालु, ए ऐ, ए ऐ, ये ए और ऐ, ये इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, ठीक है। और उसके बाद में कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, होठ, इनसे उच्चारण होता है तो वह है औदौतो कंठोष्टम, औदौतो कंठोष्टम, ओ औ, ओ औ, ये दो वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से होता है। इसके बाद में दंतोष्ठ, दांत, दंत और ओष्ठ, इन दोनों से संयुक्त रूप से जिसका उच्चारण होता है वह है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, व व, इसमें दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है व का उच्चारण करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो मूल भाग है, जिह्वा का जो मूल भाग है उससे किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो जिह्वा मूलस, जिह्वा मूलस्य, जिह्वा मूलम, कख कख इति प्रागत विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलियम, कख इति प्रागत विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलियम। हालांकि ये उच्चारण जो ये जिह्वा मूलम जो उच्चारण उच्चारण है स्थान है ये अपने लौकिक संस्कृत में जो है वो थोड़ा कमी आता है, इसलिए इसका महत्व थोड़ा कम है। बाकी जो अपने 9 तक जो उच्चारण स्थान है उनका अपना एक अलग महत्व है। इन इन स्थानों से ये वर्ण जो है उच्चारण उच्चरित किए जाते हैं तो वो वर्ण शुद्ध होंगे, और यदि अपन ने उन स्थानों से उस वर्णों का उच्चारण नहीं किया तो थोड़ा शुद्ध माना जाएगा। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान और उनके वर्ण। अब इसमें कुछ तालिका के माध्यम से वर्णों की उच्चारण स्थान की जो तालिका है उसके माध्यम से कुछ वर्णों को बताया गया है कि इसमें जो स्वर आएंगे उस स्वर का उच्चारण स्थान अलग से बताया है, और जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान अलग अलग प्रकार से बताया है, और अयोगवाह है, जो अयोगवाह हैं, अयोगवाह में जैसे आता है आपके ये उपदमानी और जिह्वा मूलियम, ये अलग से है, और इनकी संज्ञा जैसे कंठ है, कंठ के जो उच्चारण उच्चरित जो वर्ण हैं उनकी संज्ञा क्या होगी कंठ है, तो वो अलग से बताया है। तो देखो कंठ जो है जो उच्चारण स्थान है कंठ, उससे स्वरों का उच्चारण किस किस का होगा? एक अरे आ, स्पर्श व्यंजन में आएगा इसमें क ह ग घ और ण, और अंतस्थ में इसमें कोई नहीं आएगा, और उष्म में इसमें आएगा ह, और अयोगवाद में कुछ नहीं आएगा, और इनकी संख्या रहेगी कंठ है। इसके बाद में तालु, तालु जो है उसे
उसमें स्वर आएंगे ई और ई, और स्पर्श व्यंजन में आएंगे इनमें च छ ज झ और य। अंतस्थ व्यंजन में इसमें आएगा य, उष्म व्यंजन में इसमें आएगा ख, योग वाहक में आएगा इनकी संख्या रहेगी तालव्य, संख्या क्या रहेगी तालव्य। इसके बाद में मूर्धा, मूर्धा जो है वो तालु जो है, वो तालु जो स्थान है वो है आपके जहां से दांत, दांत जहां से निकल रहे हैं उससे ऊपर वाला जो भाग है वो है तालु, और मूर्धा जो जीभ से ऊपर वाला जो गहरा जो गड्ढा है वो है आपके मूर्धा। मूर्धा से री और री, ये प्र टर, देखो जीभ जो है जहाँ से स्पर्श कर रही है हवा को रोक रही है, हवा को रोक के फिर छोड़ती है, वो वहाँ से उच्चरित होता है, वहाँ पे स्पर्श करता है, हवा वहाँ पे स्पर्श करती है, उसके बाद में उसका वर्ण का उच्चारण होता है ट। तो ट ऊपर गहरे गड्ढे में जो है ये जीभ स्पर्श कर रही है ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष। इसका होगा स, होगा ष। ध्वनि में थोड़ा अंतर है, जब उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि में थोड़ा अंतर है। ये जो ताल, तालव्य जो स है वो ष, और मूर्धन्य जो स है वो ष। इनकी योग वाहक में कुछ नहीं आएगा और इनकी संख्या रहेगी मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद में आता है दंत, दांत से स्पर्श करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण होता है देखो इनमें स्वर आएंगे ल्री, ल्री, ल्री। जब अपन उच्चारण करते हैं तो जीभ, जीभ स्पर्श करती है दांतों को। उसके बाद में और कौन स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से देखो तो ख, द, ध और न। बिना जीभ से स्पर्श, जीभ को दांतों से बिना स्पर्श किए हुए अपन इसका उच्चारण नहीं कर सकते। और अंतस्थ व्यंजन में आएंगे इनमें ल, और उष्म व्यंजन जिसमें आएगा स। तो तीनों तीनों स में स अपन बोलते रहे स स स बोल देते हैं ऐसे स स स, लेकिन ये जो उच्चारण अपना है वो अशुद्ध उच्चारण है, जबकि होना क्या चाहिए स ख स, ठीक है। अब इनकी संख्या रहेगी दंते, क्या संख्या रहेगी दंते। अब इसके बाद में कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ये हो गए। अब इसके बाद में पांचवा नंबर का दंत के बाद में आता है कोष्ठ, होठ, इनसे उच्चरित होने वाले स्वर में आएगा इसमें उ, और स्पर्श व्यंजन में आएंगे क, ह, ब, ह, म। अंतस्थ व्यंजन में कुछ नहीं आएगा, उष्म व्यंजन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, जो चार व्यंजन जो है पहले आ गए कंठ, तालु, मूर्धा और दंत में, और उसमें व्यंजन भी चारों में आ गए। अयोग वाह में यदि, और संख्या हो जाएगी इनकी ओष्ठ है। इसके बाद में नासिका, नासिका में कोई स्वर नहीं आएगा, स्पर्श व्यंजन में आएंगे यो, नो, नो, और अंतस्थ व्यंजन उसमें व्यंजन नहीं कुछ भी नहीं आएगा, संज्ञा हो जाएगी कि नासिक के, संज्ञा क्या हो जाएगी नासिक के। इसके बाद में कंठ, तालु, कंठ तालु से स्वर आएगा ए ऐ, ए ऐ, और स्पर्श व्यंजन 25 पहले आ गए, नासिका, नासिका तक आ गए, 25 व्यंजन ही होते हैं स्पर्श व्यंजन में, तो अंतस्थ में आएगा नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं आएगा, अयोगवाद में कुछ नहीं आएगी, कोई संज्ञा हो जाएगी कंठ तालव्य, संज्ञा क्या हो जाएगी कंठ तालव्य। इसके बाद में कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ, औ, कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ, औ, स्वर, स्वर में आ जाएगा ओ, औ, और बाकी स्पर्श में कुछ भी नहीं आएगा, अंतस्थ में उसमें कुछ नहीं आएगा, और संज्ञा
तालु और कंठोष्ठ, ये आठ हो गए। इसके बाद में आता है दंतोष्ठ, उच्चारण स्थान जो है वो पूर्ण हुआ है। उच्चारण स्थान पढ़ने पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें आपको स्वयं को जो है याद भी करना है इसमें कि किस किस का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा और आपको इसको होमवर्क में भी करना पड़ेगा। होमवर्क के लिए आपको जो है नोट्स में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।